दिस इज सामा आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल सोलफुल जर्नी। आइए जानते हैं आज की एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की किस तरह की रहने वाली है आज आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचने वाले हैं इस रिलेशनशिप के बारे में आप दोनों की एनर्जीज किस तरह की होंगी? आइए जानते हैं आज की एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की किस तरह की रहने वाली है तो so, मैं रेंडमली इस डेक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ सबसे पहले हम जानेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी आज आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं आज आपके पार्टनर की एनर्जीज किस तरह की होंगी आइए जानते हैं तो पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज देंग मैन का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है आज आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल रहते हुए मुझे नजर आ रहे हैं लेकिन अपने आप को बहुत ही ज्यादा हैंग्ड महसूस करेंगे अटका हुआ आपके पार्टनर महसूस करने वाले हैं उन्हें ऐसा लगेगा कि इतने टाइम से वो कोशिशें तो कर रहे हैं आपकी ओर बढ़ने की लेकिन उनकी कोशिशों का कोई उस तरह का फल उन्हें नहीं मिल रहा है आपका और उनका रिलेशनशिप उसी तरह से अटका हुआ है जैसे ये पहले अटका हुआ था आज आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि उन्हें अपने दिल की बात आपसे डायरेक्टली कर देनी चाहिए अगर अभी भी अपने जज्बातों को अपने अंदर ही दबा कर रखेंगे तो शायद ये रिलेशनशिप उस तरह का नहीं बन पाएगा और वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे आपके पार्टनर के अंदर आज रिग्रेट की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा रहने वाली है आज उनको ये चीज महसूस होगी कि जिस तरह से उन्होंने इस रिश्ते के बारे में सोचा था सिचुएशन बिल्कुल ही उससे ऑपोजिट चली गई है आपके पार्टनर ने तो कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि आप दोनों एक दूसरे से इस तरह से जुदा हो जाएंगे या फिर आप दोनों एक दूसरे के बिना आपको सरवाइव करना पड़ेगा तो इस चीज को लेकर आज आपके पार्टनर थोड़े से मुझे ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि अगर उनका जो लाइफ का मोटो है वो आपको अचीव करना हो जाए तो उनके जीवन के अंदर खुशियां वापस आ सकती है आज आपके पार्टनर अपनी स्टक सिचुएशन में भी कुछ एनलाइटेंड होते हुए नजर आ रहे हैं बहुत सारी चीजों को लेकर आपके पार्टनर को आज क्लैरिटी होती हुई नजर आ रही है आपके पार्टनर बहुत सारी चीजों के ऊपर विचार विमर्श आज के दिन पर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं हो सकता है आपके पार्टनर की कॉल या उनका मैसेज आपको डेफिनेटली आज मिले सो so, अपने पार्टनर के कॉल या मैसेज का आपको आज इंतज़ार करना है अपना फ़ोन अपने पास ही रखना है इस बात का ध्यान रखिएगा अगर फोन आपसे दूर रहा और आपने अपने पार्टनर की कॉल या मैसेज को मिस कर दिया तो दोबारा से आप कॉल करेंगे तो शायद आपके पार्टनर नहीं उठाएंगे क्योंकि उन्हें एक एप्रीहेंशन हो जाएगी कि अब शायद आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं ठीक है, सो so, आज की एनर्जीज बहुत ही अच्छी हैं, इन एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिएगा आपको इन एनर्जीज को क्लेम किस तरह से करना है आपको कमेंट सेक्शन में लव के साथ दो बार हार्ट साइन जो है वो डालकर भेजना है एंड आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाएंगे तो so, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है अपने फोन की बैटरी चार्ज कर लीजिए अपना फोन साइलेंट पर मत रखिएगा कभी भी आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट आज के दिन पर कर सकते हैं सो so, आइए जानते हैं आपकी एनर्जीज आज किस तरह की रहने वाली है आपकी एनर्जीज आज किस तरह की होंगी आप आज इस रिश्ते के बारे में क्या सोचने वाले हैं यहाँ पर डेथ रिबर्थ का कार्ड है एट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर द मून का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेरस नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेरस नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है देखिए आज मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी एनर्जी के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है आज आप बहुत ही लो एनर्जी उसमें रहने वाले हैं आज आप अपने पार्टनर से इमोशनली विद्रॉ करने के बारे में सोच लेंगे आप ये फाइनलाइज कर लेंगे कि आपको आपके पार्टनर से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाना है क्योंकि आपके पार्टनर आपकी इमोशनल नीड्स को पूरा नहीं कर सकते हैं ठीक है मून की एनर्जी आज आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है इसका मतलब ये होता है कि आपके इमोशंस आज काफ़ी स्टर्ड रहेंगे आप इमोशनली स्टेबल नहीं रहेंगे लेकिन आपके पार्टनर का कॉन्टैक्ट करना या उनकी तरफ से आपका आपकी तरफ को कोई आपको साइन मिलना उससे आपका जो थॉट प्रोसेस है आपके पार्टनर को लेकर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा आपको ऐसा लगेगा कि जो आपकी दिली इच्छा थी वो अब पूर्ण होने जा रही है आप बहुत 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 ज़्यादा खुश हो जाएंगे एंड वन मोर थिंग कि आज आप मुझे अपने इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी डिफेंसिव होते हुए नजर आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर आप लोगों से लड़ गुजरने का जज्बा रखेंगे आज अगर आपको ये कोई कहने की कोशिश करेगा कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए तो आप उस पर्सन को गलत साबित करेंगे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आज के ही दिन में दो बार होने जा रही है एक जहाँ पर आप इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ नेगेटिव सोचने वाले हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन वो होगी और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी जब आप इस रिलेशनशिप को लेकर अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगे तो यहाँ पर दो तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज आपके अंदर नज़र आ रही हैं सो so, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं क्योंकि टू द लास्ट आप अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव हो जाएंगे सो so, अपनी एनर्जीज़ को बहुत समझदारी से आप चैनलाइज कीजिएगा अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ का शिकार मत बनिएगा और पॉजिटिव रहकर इस रिलेशनशिप की और बढ़ने की कोशिश कीजिएगा आई नो आप अपनी समझदारी से आज की एनर्जी को बहुत अच्छे से चैनलाइज़ कर पाएंगे हैव अ ग्रेट डे टुडे गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ सी यू सून